हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सीखने जा रहे हैं कन्वर्जिंग रेज और डाइवर्जिंग रेज के बारे में। अगर हमें कन्वर्जिंग रेज और डाइवर्जिंग रेज पता है तो हम बता सकते हैं कि मिरर कौन सा वाला कन्वर्जिंग मिरर होगा, कौन सा वाला डाइवर्जिंग मिरर होगा। सिमिलरली कौन सा लेंस कन्वर्जिंग लेंस होगा और कौन सा लेंस डाइवर्जिंग लेंस होगा। और ये ना कि सिर्फ इसी चैप्टर में काम आएंगे बल्कि ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड उस वाले चैप्टर में भी आपको ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग जो है हेल्प करेंगे टॉपिक को समझने में। तो जानते हैं, देखिए ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है पहले से। तीन लाइन मैंने खींच रखी है एक्चुअल में, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, ये चार ऐसे पैटर्न बनाए हुए हैं। अब मैं कहूँ कि कौन सी वाली जो पैटर्न है, कौन सा वाला जो पैटर्न है 1, 2 या 3, 4, कौन सा वाला जो पैटर्न है वो कन्वर्जिंग है और कौन सा वाला डाइवर्जिंग है, तो हम बिल्कुल नहीं बता सकते क्योंकि अभी ये लाइट रेज है ही नहीं। लाइट रेज का मतलब एरो। तो एरो हम बनाएंगे तभी ये सारे जो पैटर्न हैं ये लाइट रेज बनेंगे। तो सपोज़ किया कि हमने पहले वाले में एरो बनाए इस तरह से, तो अब हम कह सकते हैं कि ये लाइट रेज हैं और इनका नेचर एक दूसरे के पास आने का है। देखिए लाइट रेज यहाँ से स्टार्ट हुई और ये पास आ रही हैं और जैसे जैसे ही आगे बढ़ रही हैं ये पास आती जा रही हैं, तो कन्वर्ज हो रही हैं। ठीक है, अब मैंने ये दूसरा बनाया है। हालांकि ये दोनों जो पैटर्न है एक दूसरे से अलग है, पर अगर मैं एरो इस डायरेक्शन में बना देता हूँ तो देखेंगे कि ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये यहाँ पर जैसे इधर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये एक दूसरे के पास आ रही हैं, क्लोज़र आ रही हैं। तो यही आपका चीट कोड हो जाएगा। देखिए सी फॉर कन्वर्ज और सी फॉर क्लोज़र, समझ में आया? सी फॉर कन्वर्ज और सी फॉर क्लोज़र। अगर लाइट रेज क्लोज़र आ रही हैं तो सी फॉर क्लोज़र, इसका मतलब हुआ सी फॉर कन्वर्ज। तो ये जो लाइट रेज होंगी ये कन्वर्जिंग रेज होंगी। कौन सी रेज होंगी? कन्वर्जिंग रेज होंगी। और अगर किसी मिरर से या लेंस से ऐसी रेज निकल रही हैं जो बाद में आगे जाकर कन्वर्ज हो रही हैं तो वो मिरर या लेंस कन्वर्जिंग मिरर या कन्वर्जिंग लेंस कहलाएगा। अब हम यहाँ पर 3 और 4 में हम लोग पैटर्न बनाते हैं। अब देखिए, अब मैंने एरो इस तरीके से बना दिए, उल्टे डायरेक्शन में बना दिए, तो ये एरो यहाँ बन गए। अब अगर एरो यहाँ बन गए हैं तो इनका स्टार्टिंग पॉइंट एक हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो देखिए आगे जाने वाले डायरेक्शन में ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दिख रहे हैं? ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ये डाइवर्जिंग नेचर हुआ। और इसको आप याद रख सकते हैं, हिंदी वाला दूर, DOOR, दूर, तो डी से दूर, डी से डाइवर्जिंग, समझ में आया? तो लाइट रेज यहाँ पर आगे बढ़ते हुए ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, देखिए गैप बढ़ रहा है, तो डी फॉर दूर, डी फॉर डाइवर्जिंग रेज। सिमिलरली यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँ, मैंने इस डायरेक्शन में बनाए एरो, तो ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये आगे की डायरेक्शन में एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये भी दूर जा रही है, तो ये भी डाइवर्जिंग रेज होंगी। तो इसका चीट कोड डी फॉर दूर, डी फॉर डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग का सी फॉर क्लोजर, सी फॉर कन्वर्ज। तो जब डाइवर्जिंग रेज होंगी और जो मिरर या जो लेंस डाइवर्जिंग रेज देगा वो मिरर या लेंस डाइवर्जिंग मिरर या लेंस कहलाएगा। आई होप ये चीट कोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप लाइफ में कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।